नमस्कार दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो पेट्रोल डीजल का पर डे प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, उसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आप एक दिन पहले जान जाएंगे कि पेट्रोल का डीजल क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगी, डीजल का क्या प्राइस रहेगा, जिससे आपको लाभ मिल सके। आप लोगों के सामने आउट ऑफ बॉक्स दिख रहा है, रेड कलर बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने एक बेल का आइकन आ जाएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भारत की तीन बड़ी कंपनियां हैं जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीन बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोल और डीजल को सप्लाई करती हैं पूरे इंडिया में। इन्होंने तीन ऐप बना रखा है जिसमें वो अपने रेट को एक दिन पहले डाल देती हैं। मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दे दिया है, जहां से आप इजीली अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम बताते हैं कि कैसे वो ऐप काम करती हैं और कहां पे आपको चीज़ें फाइंड करने पे मिलेगा। ये देखिए, फर्स्ट है इंडियन ऑयल की, ये है फर्स्ट इंडियन ऑयल की। यहां से आप ऊपर सबसे देख रहे होंगे फ्यूल एट द रेट IOC। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जहां लोकेट अस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो नियरेस्ट आउटलेट हैं पेट्रोल और डीजल के, देखिए फर्स्ट पे आ रहा है। जहां लोड प्राइस आप करेंगे तो यहां पे इसकी प्राइस आपको दिख जाएगी। सेकंड है आपका, मैं दिखा देता हूं, पहले लोड लोडिंग हो रही है तो देख रहे हैं डीजल 55 और पेट्रोल 67.83 और एक्स्ट्रा प्रीमियम 70.33 पैसे है। तो ये था फर्स्ट, और सेकंड है आपका, ये है आप लोगों के सामने स्मार्ट ड्राइव का। अब इसके थ्रू भी आप जैसे फ्यूल ऑन सर्विस में जाएंगे, आउटलेट सर्विस, और इसके बाद फाइंड फाइंड नियरेस्ट, यहाँ आ चले गए। अब यहाँ पे नियरेस्ट SPCL आउटलेट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नियरेस्ट जो है, यहाँ पे प्राइस आप लोगों को दिख रही होगी 67.87 डीजल की है और ये 55.72 आपकी डीजल की थी। अब थर्ड है आपको, मैं दिखा देता हूँ, थर्ड है आपका स्मार्ट ड्राइव। आप यहाँ पे, ये है आपका भारत पेट्रोलियम का, यहाँ पे आप फाइंड नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं और इसके प्राइस को इजली जान सकते हैं। तो ये थी तीन ऐप जिसके थ्रू आप प्राइस को एक दिन पहले जान सकते हैं। थोड़ा सा मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि ये कैसे लगभग 70 रुपीज़ हमारे यहाँ तक आते आते इसकी प्राइस हो जा रही है, 70 या 71 या 72, जो कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है प्राइस। तो एक्चुअली क्या होता है कि भारत को ऑयल को बाहर से ख़रीदना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 19 या 20 रुपीज़ होती है। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है, इसके बाद उसको कुछ प्यूरीफाई किया जाता है, प्यूरीफाई होते होते 40-45 रुपये 50 रुपये कॉस्ट हो जाती है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसको भेजा जाता है, जिसपे गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से, इसके बाद आपका स्टेट लेवल का अलग से। एक और चीज़ मैं बता दूं, GST में अभी ये फ्यूल नहीं आया है के दायरे में। अगर ऐसा हो जाता तो हर जगह प्राइस पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट होता, जो दिल्ली में पेट्रोल का दाम होता वही आपका यूपी में होता, वही आपका मुंबई में होता, वही आपका बेंगलोर में होता। बट GST में ना आने की वजह से ये वैरी करेगा प्राइस। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर, जैसे ये इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनका भी प्राइस थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है कुछ पैसे। तो इससे भी कोई आप परेशान मत होइएगा, वो अपना अपने अकॉर्डिंग प्राइस को रखते हैं, जैसे उनको जैसी कॉस्ट आती है। तो ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप